अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे सुमित्रा जी, आपने भगवान को भोग लगाने के पहले ही प्रसाद खा लिया, इसलिए गणपति जी आपसे नाराज हो गए हैं। और भला हो आपके रूही बहू का, जिसने आपको गंगा जल पिला कर सही कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पानी पिलाने की? ये क्या अनर्थ कर दिया भगवान, पूजा के दिन इस लड़की के हाथों मुझे गंगा जल पिलवा दिया। अब तो मुझे मेरा भी शुद्धिकरण करना होगा। माँ, माँ क्या कर रही हैं आप? माँ जी देखिए, सब मेहमान देख रहे हैं, प्लीज पहाड़ में जाए सब मेहमान। इस वक्त इस लड़की के हाथों में अशुद्ध हो गई हूँ, इसकी मुझे ज्यादा फिक्र है। दादी, रूही के हाथों बने मोदक तो बहुत अच्छे से खा लिया आपने, फिर पानी से क्या दिक्कत है आपको? जबकि उसने आपको सही टाइम पे पानी पिलाकर आपकी जान बचाई है। नार, तुम्हारी शादी क्या हो गई? तुम तो अपनी पत्नी के गुलाम बन गए। अपनी दादी की फिक्र तक नहीं तुम्हें? क्या करूं? पंडित जी आप ही बताइए, शुद्धिकरण करने का तरीका बताइए कुछ। बहन जी, आपने गंगा जल छिड़क लिया है, आपका शुद्धिकरण हो गया है। अब आप गणपति बाबा को भोग लगाइए, जिससे पूजा का शुभारंभ हो। ये लड़की के होते हुए मैं ये पूजा पूरी नहीं होने दूंगी। तुम अभी के अभी निकलो मेरे घर से। मैं तुम्हें इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती, निकलो यहाँ से, निकलो। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? माँ, रूही कहीं नहीं जाएगी दादी। और आप नहीं, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये पूजा पाठ और भगवान की बड़ी बड़ी बातें करती हैं आप, लेकिन इंसानों की जरा भी कीमत नहीं है आपको। नाहर्जी प्लीज शांत हो जाइए, खामखा हमारे परिवार की बातें बाहर जाएंगी। देखा दादी, जिसे आप घर से बाहर निकाल रही हैं, उसे हमारे घर की इज्जत की कितनी परवाह है। हाँ माँ, इसलिए हमने रूही को चुना है कि उसका मन पवित्र और सुंदर है। प्लीज दादी, ये भेदभाव की बातें अब भी खत्म करते हैं। अपनी किताबी बातें अपने पास रखो नहार। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, वो इस अपवित्र लड़की के साये से अपने परिवार को बचाने के लिए कर रही हूँ। अपवित्र साया? दादी कैसा अपवित्र साया? क्या गलती है रुकी, क्या किया इसने गलत? हाँ, ये अनाथ है, इसके माँ बाप ने इसे छोड़ दिया, तो इसमें इसकी क्या गलती है दादी? इसे अपने खून का नहीं पता, लेकिन इसे अपने संस्कार का पूरा ज्ञान है। और इसकी परवरिश इतनी अच्छी है कि कोई भी इस पर उंगली नहीं उठा सकता। और अभी पूजा पाठ भगवान की बड़ी बड़ी बातें करते, आइए आपके भगवान जिसे आप बहुत मानती हैं,
जब वो आप दोनों में फर्क नहीं करती, दोनों को एक सी हवा, एक सा पानी, एक सा अन्न देते, तो फिर आप क्यों दादी क्यों फर्क कर रही हैं? बात बहुत साफ है दादी, जिस बात को मैं नहीं मानता उस बात को लेकर रूही के साथ मैं कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा दादी। नहार, चुप हो जा, क्यों बात को बढ़ा रहा है? देख रहा है ना मैं माने घर में? तो यही बात आप दादी को समझाइए ना छोटी माँ, मैं तो बोल बोल के थक चुका हूँ। मैंने पहले भी बोल दिया कि मैं रोज रोज के तमाशे नहीं सहूंगा, मैं पक चुका हूँ। लेकिन ठीक है, आप सबको अगर यही करना है तो ठीक है, मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूं। और रूही मेरे साथ चलेगी क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। माँ जी, मैंने कहा था ना आपसे मत कीजिए आप ये सब, लेकिन लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आप जानती ना नहार को कैसा है, वो चला गया घर छोड़कर। हो गए ना खुश आप? नहार, नहार, आपको लग रहा है कि आप पूरे होश में सोच समझ के फैसला ले रहे हैं? सीरियसली रूही, वहां तुम्हारा इतना अपमान हो रहा है, उसके बाद भी तुम मेरे फैसले पर उंगली उठा रही हो। मैं होश में नहीं हूं। नहीं नाजी, मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या था तुम्हारा मतलब रूही? अच्छा, तुम्हें लगता है कि हम घर से बाहर जाएंगे तो कहां रहेंगे, कहां जाएंगे, है ना? नहीं नहीं नाजी, आप मुझे जहां भी लेके जाएंगे, जैसे भी रखेंगे, मैं खुशी खुशी रह लूंगी। रुको नहार, नहार तुम भूल रहे हो, तुमने कसम खाई थी। मेरी हर बात मानोगे? दादी कसम के नाम पर आप मुझसे कुछ भी गलत नहीं करवा सकती, और कसम तो आपने भी दी थी कि आप रूही को घर में रहने की इजाजत देंगे। पर खैर, अब जब मैं रूही को इस घर से लेकर जा ही रहा हूं, अब हमारी कसमें कोई मायने नहीं रखती। नहार बेटा, देख माजी की बात का बुरा मत मान, हम समझाएंगे ना मम्मी, तू ऐसे कोई भी गलत फैसला मत ले बेटा। रूही बेटा, तुम समझाओ ना नहार को। किसी को कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। रूही गाड़ी में बैठो, चलो। नहार आ जाओ। रूही गाड़ी के अंदर बैठो। नहार, नहार मेरी बात सुन बेटा। भैया भैया रुक जाओ प्लीज। नहार मत जाओ बेटा। नहार, तुम अपनी सबसे कीमती चीज यही छोड़कर चले जाओगे?
देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।